ओप्पो रेनो 6 प्रो डिवाइस में एंड्राइड 12 के साथ में कलर 12 का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। आज के वीडियो में हम इस अपडेट का करेंगे फुल रिव्यू एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट के साथ में हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ऑफिशियल वर्जन में फोन को अपडेट करने के बाद भी हमारे डिवाइस में थोड़े बहुत बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे हैं, हम उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के साथ में। तो यार हो सके तो आप हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो के थ्रू आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एजुमेनो फायदा आपको पता होगा, ओप्पो रेनो 6 प्रो डिवाइस में 3.06 के साथ में कलर स्टॉल का ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड होना स्टार्ट हो चुका है। जिस अपडेट का वर्जन है PPH2249_11_3.06 एंड ये अपडेट हमारे फोन में 410 MB के साथ में प्रोवाइड हो रहे एंड ये एंड्राइड 12 विथ कलर 12 का ऑफिशियल वर्जन है जो कि स्टेबल वर्जन है। मतलब हमारे फोन में फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा वर्जन देखने को मिला था जिसमें हमें थोड़े बहुत बग एंड इश्यू देखने को मिल रहे थे, जैसे कि हमारा फोन लैग कर रहा था, हैंग कर रहा था, फोन हीट हो रहा था, स्लो चार्ज हो रहा था, मतलब ये सभी इश्यू हमारे फोन में देखने को मिल रहा था। एंड साथ ही साथ हमारे फोन में ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल गया। अब भैया कलर स्टॉल के ऑफिशियल वर्जन में फोन को अपडेट करने के बाद हमने अपने फोन को प्रॉपर तरीके से यूज तो नहीं किया, बट अगर आपके फोन में कलर स्टॉल का ऑफिशियल वर्जन देखने को मिला है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आपके डिवाइस में थोड़े बहुत बग एंड इश्यू बचे हैं या फिर सब कुछ फिक्स हो चुका है। हालांकि कुछ यूजर्स मुझे बताए हैं कि अभी भी हमारा फोन थोड़ा बहुत लैग कर रहे। इसके लिए अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अपने फोन को एक बार रिफिट कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपका फोन एक मेजर अपडेट में अपडेट हो, जैसे कि एंड्रॉइड 12 का अपडेट हो गया, एंड्रॉइड 13 का अपडेट हो गया, ये सभी वर्जन में आपका फोन अपडेट हो रहे, तो अपने फोन को एक बार रिफिट कर सकते हो। अगर फोन को रिफिट कर दिए ना तो फोन एक प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। जैसे कि आपने अपने फोन को एंड्रॉइड 12 विथ कलर स्टॉल में अपडेट किया ऑफिशियल वर्जन में, तो अपने फोन को कलर स्टॉल के ऑफिशियल वर्जन में फोन को अपडेट करने के बाद रिफिट कर सकते हो। हालांकि कुछ यूजर्स के माइंड में ये भी डाउट रहता है कि हमने अपने फोन को कलर स्टॉल के ऑफिशियल वर्जन में अपडेट किया या फिर बीटा वर्जन में अपडेट किया, अगर हम अपने फोन को रिफिट कर देते हैं क्या ये वर्जन उड़ जाएगा या फिर डिलीट हो जाएगा, हमारा फोन फिर से एंड्रॉइड 11 में आ जाएगा क्या? तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका फोन एंड्रॉइड 12 में ही रन करेगा, आप अपने फोन को रिफिट कर सकते हो। देखो मैं बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें काफी सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, काफी सारे लोग हमें काफी सारे क्वेश्चन करते रहते हैं इस अपडेट के रिलेटेड या फिर ऐसे ऐसे कमेंट्स हमें आते रहते हैं, तो आप ऐसा करके अपने फोन को रिफिट कर सकते हो, आपका फोन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। लेकिन इसका मेन सॉल्यूशन आप लोग ही बता सकते हैं कि फोन को अपडेट करने के बाद आपके डिवाइस में कुछ इश्यू देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिला। अब सिंपल सा एक ऑफिशियल वर्जन है, कलर्स की तरफ ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि भैया मैंने ऑफिशियल वर्जन प्रोवाइड कर दिया, अब आपके डिवाइस में कोई सभी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपके डिवाइस में कोई सभी इश्यू देखने को मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे आप में मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप ओप्पो इंडिया से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बात कर सकते हो, जैसे कि ट्विटर पे या फिर ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हो, वहां पे आपका रिप्लाई जरूर से दिया जाएगा ओप्पो इंडिया की तरफ से। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है फॉर ओप्पो रेनो 6 प्रो यूजर। वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो चली वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा।